पार्टी की बेटियां हैं। अंसार पार्टी ट्रस्ट से हम भरपूर अपील करते हैं, काइंडली सर फरिश्ता बन के आइए। मकबूजा कश्मीर में फंसी पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की तकरीबन 350 खवातीन और बच्चों ने जब अंसार बरनी को पुकारा तो अंसार बरनी ट्रस्ट की टीम उनकी मदद को कश्मीर पहुंची। कश्मीर की वादियां जो हुसन में अपनी मिसाल आप हैं, वहीं इन्हीं वादियों में भारतीय मजालिम की कई ऐसी दास्तानें दफन हैं जिन्हें सुनकर हर आँख अक्षबार हो जाती है। हमारा है केरन बाईपास, ये जो मुकाम से ऊपर ये आगे इस तरह केरन नीलम नगदर ये सारे क्रॉस करती हो जाए। इस बाईपास की पोजीशन ये थी कि हम सुबह उठ के ये नहीं पूछते थे कि आज कोई कैजुअलिटी हुई है फायरिंग से, ये नहीं, हम सुबह उठ के ये पूछते थे कि आज कितने बंदे मरे। और ऐसा कोई दिन नहीं होता था कि जिस दिन को ये कहे जी कि आज इंडियन फायरिंग से कोई गाड़ी हिट नहीं हुई, कोई बंदा नहीं हुआ। अंसार बनी ट्रस्ट की टीम मकबूजा कश्मीर में फंसी खवातीन के घरों पर पहुंची। इस वक्त मेरी बेटी को इतनी परेशानी के आलम में मैं भी ओर से निकलती हुई है, मुझे भी डॉक्टर अल्लाह माफ कर देते हैं। कश्मीर में फंसी हुई खवातीन के घरों का विजिट चल रहा है अंसार बनी ट्रस्ट का। जुल्म की ये दास्तां है कि दरिया के इस पार मौजूद रिश्तेदार अपने रिश्तेदारों को देख तो सकते हैं लेकिन सामने मौजूद मकबूजा कश्मीर में उन्हें छू नहीं सकते, गले नहीं लगा सकते। ये सामने उनकी पोस्ट नजर आ रही है इंडियन फोर्सेस की, वो वहां से सिविलियंस पे फायर करते हैं। आइडिया की तरफ से पहले इधर उधर बोला मारते थे, आवाम छप जाती थी, वो इधर उधर नहीं मिला, डायरेक्ट ही फेर आया और पहले ही फेर से वो लड़की मरी। तो फिर जब फेर रुका फिर तलाश किया, फोन लेकिन आप लोगों को सलाम है जिस तरीके से आप लोग मुकाबला कर रहे हो जमा मर्दी के साथ, उनको उनके सामने सीना फैला के खड़े हुए हो, ताकत दिखा रहे हो अपनी, और वो ताकत होती है जज्बे ईमानी की। इस वक्त हम केरन के मुकाम पे हैं और जो पीछे आपको दरिया के साथ इलाका नजर आ रहा है ये मकबूजा कश्मीर है, जहां से गोलाबारी की जाती है, जहां से चेल फेंके जाते हैं, स्कूल खत्म किए जा रहे हैं, हॉस्पिटल खत्म किए जा रहे हैं, लोगों को शहीद किया जा रहा है, औरतों बच्चों मर्दों बूढ़ों इनको शहीद किया जा रहा है, इनके घरों को तबाह किया जा रहा है, एक तकलीफ ने अमर है। और एक कहानी मुझे रात में उनके घर गया, पहले भी आ चुका था घर गया, लेकिन बड़ी दर्दनाक कहानी दुख भरी दास्तान मुझे रात को पता चली, वो ये थी कि उनकी बेटी वहां टीचर है मकबूजा कश्मीर में, और वो लड़की बच्चों के साथ पिकनिक पे आ रही थी एलओसी पे, वहां की एलओसी पे इंडियन मकबूजा कश्मीर की, इनको पता चला तो ये भी भागे भागे गए, माँ बाप भाई बहन थोड़े ले गए कि शायद हम उस एलओसी पे उसको देख सके, उसको पहचान के कोई दुख दर्द की बात कर सके, उससे रब्ता कर सके। तो पाकिस्तान की फौज ने तो उनको अलाउ कर दिया कि वो आगे तक चले जाए जहां तक पाकिस्तान की आजाद कश्मीर की सरहद बनती है, जो रास्ता बनता है, लेकिन भारत ने उस लड़की को उन माँ बाप से मिलने नहीं दिया, उन भाई बहनों से मिलने नहीं दिया। वो खातून रात को उनकी माँ रो रो के मुझे बता रही थी।
اس سفر کے دوران انصار برنی ٹرسٹ کی ٹیم نے آزاد کشمیر کی مختلف ایل او سیز کا دورہ کیا اور سماجی رہنماؤں سے ملاقاتیں کی۔ جناب انصار برنی نے اپنی ٹیم کے ہمراہ آزاد کشمیر کے صدر جناب مسعود خان سے ملاقات کے دوران انہیں آزاد کشمیر کے لوگوں کے مسائل سے آگاہی دی اور مقبوضہ کشمیر میں پھنسی 350 کے قریب خواتین کی جلد وطن واپسی کے لیے بات چیت کی۔ ساتھ ہی انصار برنی نے جناب مسعود خان کی کشمیر کے لیے کی گئی کاوشوں کو بھی سراہا۔ شہید ہوئے ہیں وہ ہمارے بزرگ ہیں یا ہمارے بھائی بہن ہیں یا ہمارے بچے ہیں یا ہماری فیملی ہے، ہمیں ہر شہید پہ یہ محسوس کرنا چاہیے کہ یہ ہمارے میری بیٹی کا ظلم کر رہے ہیں، ان کو اللہ میرا بھی بیٹی ہوں، اللہ میرا میری فریاد سنیں۔ اسی امن چاہتے ہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ایک امن ہوگا تو اسی اپنا کھانا مل رہا ہے، اس کا کیا چوہا۔ آزاد کشمیر کی عوام صرف اور صرف امن چاہتی ہے اور چاہتی ہے کہ ان کے پیارے جلد گھروں کو لوٹ آئیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اس مسئلے کو اجاگر کرنے میں انصار برنی ٹرسٹ کا ساتھ دیں۔